आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ सिर्फ बिग एफएम पर। ओम सच्चिदानंद भगवान, ओम श्री साई नाथाय नमः। धर्म कोई भी हो, लेकिन चिंतन, अध्यात्म और साथ में मेडिटेशन ध्यान सिखाता है, ईश्वर का मनन करना सिखाता है। गुरुवार है, ओम श्री साई राम बोलकर आज के शो की 5 अप्रैल 2018 गुरुवार के दिन मैं कामिनी खन्ना शुरुआत करती हूँ। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में, अहोरात्र नक्षत्र है अनुराधा, सुबह 9:18 तक, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। आज के मुहूर्त कुछ इस प्रकार हैं। सुबह 6:33 से लेकर सुबह 8:05 तक है शुभ। दोपहर 12:41 से लेकर दोपहर 2:13 तक है लाभ। दोपहर 2:13 से लेकर दोपहर 3:45 तक है अमृत। और शाम 5:18 से लेकर शाम 6:50 तक है शुभ। प्रतिभा अपनी राह स्वयं निर्धारित कर लेती है और अपना दीप स्वयं लेके चलती है वो। एक बार व्यक्ति प्रतिभावान हो तो उसकी रोशनी कहीं छिपती नहीं। मैं कामिनी खन्ना शहर कार्यक्रम में ऐसे ही आप सभी प्रतिभावान लोगों के बीच सुबह सुबह आप सबको मैं देती हूँ शुभकामनाएं। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, और आज का दिन आपको अत्यंत उत्तम जाए, ऐसी मेरी मनोकामना। आइए मैं बताती हूँ आपको मेष से लेके कन्या राशि तक का राशि भविष्य इस अंदाज में कि आपको मिलेगा कैसा परिवार। मेष राशि, आपका परिवार जो है बहुत ही हंसने खेलने वाला, एंजॉय करने वाला और डैशिंग एकदम काम करने वाला और आपके साथ बहुत खुश रहने वाला परिवार आपको बना के रखनी है अपने परिवार के साथ। वृषभ राशि, आपका परिवार जो है व्यवसायी टेक्निकलिटीज में बहुत आगे, बहुत ही सूझबूझ के साथ काम में आगे बढ़ने वाला, अगर आप इनके साथ बना के रखें तो आपका व्यवसाय बहुत आगे बढ़ जाएगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपका परिवार कभी हंसने खेलने वाला और कभी नाराजगी, कभी गुस्सा, तो आपको बना के रखनी पड़ती है। आप चाहते हो कि वो हमेशा ही खुश रहे आपकी तरह, क्योंकि आप खुश रहते हो, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा बहुत डामाडोल होता रहता है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता ही है जिंदगी में। कर्क राशि, आपका परिवार बहुत ही डोमिनेटिंग, लेकिन साथ ही साथ आपको ऊंचे पद पे लेके जाने वाला, आपको सपोर्ट करके एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तिमत्व बनाने वाला, तो ऐसे में उनसे सीखना चाहिए आपको। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपका परिवार व्यवसायी, लेकिन पूरे परिवार का ध्यान रखने वाला आपका परिवार, आपके परिवार के लोग बहुत ही धीर गंभीर और अपनी बात पे अड़िग रहने वाले, और आप ही की नहीं बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने वाले। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपका परिवार बहुत ही तोल मोल के बोल के साथ, हो सकता है बड़े बड़े ओहदों पर, और साथ में आपका परिवार आपको मीडिया से रिलेटेड कोई काम हो तो उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर सकता है। उसी तरह आप भी अपने परिवार को बहुत सपोर्ट करते हैं, ये है आपकी क्वालिटी। मन इंसान को बनाता है दुखी या सुखी, मन की परिस्थिति से इंसान कभी बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा अपने आप से रुष्ट रहता है। ऐसे में इस मन के घोड़े को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है, और ध्यान जो इस समय कर सकते हैं आप, वो ही सिर्फ मन के घोड़ों को काबू में रखता है। आइए, जैसे कि मैं बता रही थी कि आपको आज का राशि भविष्य जो तुला से लेकर अब मीन राशि का बताऊंगी मैं, आपका परिवार कैसा रहेगा उसकी करेंगे चर्चा। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपका परिवार थोड़ा सा गुस्सा है, लेकिन बहुत ही धर्मनिष्ठ, आपके साथ खड़ा रहने वाला, आपको सपोर्ट करने वाला, और साथ ही में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ऊंचे ओहदों पे नौकरी करने वाला या बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक, ये भी हो सकता है। वृश्चिक राशि, आपके परिवार से आप रहते हैं नाराज, आपको लगता है कि वो आपको डांटते हैं, वो आप पर डोमिनेटिंग व्यवहार करते हैं, वो आपको थोड़ा सा डांट पीट के रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपकी बहुत केयर करते हैं, उनकी आपके बगैर बनती नहीं, और वो भी उतने ही पूरक हैं आपके जितने आप हो। धनु राशि, धनु राशि के लिए कर्मठ परिवार, तापसी, न्याय प्रिय, दंड प्रिय, शासक प्रिय, और आपके परिवार की वजह से आप आगे बढ़ते हो। आपको एक ध्यान में रखना है कि परिवार को लेके चलोगे
तो उनके नाम से ही आप आगे बढ़ोगे। मकर राशि। मकर राशि के लिए आप खुद न्याय प्रिय, दंड प्रिय, शासक प्रिय और आपका परिवार भी वैसा, जिस वजह से आपकी खूब क्षमता है। आपको कोई कमी नहीं रहती प्यार में और उनको कोई कमी नहीं रहती आपके प्यार में, तो एंजॉय कीजिए ऐसा साथ। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आपका परिवार कभी आपकी पकड़ में आने वाला तो कभी आपकी पकड़ से निकल जाने वाला, तो आप ऐसा सोचते हैं ये मेरा परिवार कभी तो मेरा बड़ा साथ निभाता है और कभी नहीं रहता। कोई बात नहीं, हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार होता है, आपको अपना अधिकार है, आप जैसा चाहिए वैसा रहिए, उनको भी रहने दीजिए। मीन राशि। मीन राशि के लिए आपका परिवार कर्मठ, तापसी और साथ में दंड प्रिय आपको थोड़ा सा डोमिनेट करने वाला और खुद भी बहुत ज़्यादा एकदम धर्मनिष्ठ रहकर आपसे जुड़ा हुआ, तो ये क्या कम है कि वो धर्मनिष्ठ हैं और आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपसे हटते नहीं, तो बधाइयाँ देती हूँ मैं इतने सुंदर और कर्मठ परिवार की। उन लोगों के साथ जुड़े रहने से आपका मॉरल भी हाई रहता है। अगर हम नहीं तो फिर कौन, और अगर अभी नहीं तो फिर कब? अरे हम ही और अभी, ये दोनों चीज़ आपने ध्यान में रखनी है और ध्यान में रखने के साथ साथ उसको कृति में, मतलब सामने उसको करके भी दिखाना है। मैं कामिनी खन्ना शहर कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हुए जो वास्तु टिप आपको मैं वैदिक बताती हूँ, जिससे आपके घर में कोई आपको वहम भी ना हो और आपका घर सुंदर भी हो जाए, शुद्ध भी हो जाए, आपको अच्छा भी लगे। चलिए शुद्ध करते हैं आपका घर। एक टिप बताते हैं आपको, आपको रखना है घर के हर कोने में एक छोटा सा दीपक, जिससे अग्नि तत्व का वास हो जाएगा आपके घर के हर कोने में। किसी प्रकार की कोई नौकरी की परेशानी हो, कोई जॉब की परेशानी हो, कोई सरकारी दरबारी कामों में परेशानी हो, तो आप इस उपाय से बाहर निकल सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि छोटा सा दीपक जलाते समय हर कोने में कोई कपड़ा या लकड़ी की चीज नजदीक ना हो, जिससे आग पकड़े। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।